धौलपुर जिला प्रशासन की ओर से आज कोरोना ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण से लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस गुलाब बाग पर आकर समाप्त हुई। उस दौरान अधिकारियों ने लोगों को कोविड गाइडलाइंस की पालना करने के लिए प्रेरित किया। ये करीब 5 गुना अधिक फैलाव का है और जयपुर में जिस तरह से इसका बढ़ा हुआ है तो इस बात की आशंका है कि बहुत कम समय में ये अचानक पैदा हो सकता है, बहुत बड़ी जनसंख्या के बाद प्रभावित कर सकता है। ये बात सामने आई है कि इसका बचाव एक तो वैक्सीनेशन है और दूसरा ये है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट टीम है, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, तो इसी के लिए जन सभी को जागरूक करने के लिए आज पुलिस प्रशासन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एनसीसी, एनएसएस और सभी का एक निकाला जा रहा है। हमने आज ये जन जागरूकता रैली निकाली है। इसमें ओमिक्रॉन का जो केसेज बढ़ रहे हैं उनकी के लिए लोगों को जागरूक करना है कि इसको किस तरह से रोका जाए। सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसकी पालना करें, वैक्सीनेशन अधिक से अधिक लगाएँ और लोगों को स्वयं का ध्यान रखते हुए बाकी लोगों को, बच्चों को, उनका के बारे में जागरूक करें। और हमारा तो ये सबसे कहना है कि व्यापारियों से सब मास्क लगा रखें, लोग 2 गज की दूरी जरूरी है और इससे हमारी मदद सही रहेगा, बीमारी नहीं आएगी। हमें मास्क लगाना जरूरी है क्योंकि बढ़ते कोरोना में हमें मास्क लगाने के लिए अधिक महत्वपूर्ण मैसेज उठाना चाहिए। तो मेरी ये सबसे यही अनुरोध है कि सभी लोग मास्क लगाएं।